हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे किचन में। आज हम बनाएंगे बनाना केक, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और बच्चों को ये बहुत ही पसंद आता है। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर 2 कप गेहूं का आटा लिया है, 1 कप मैंने पाउडर शुगर ली है, 1/2 कप मैंने ऑयल लिया, अब इसकी जगह बटर का भी यूज कर सकते हैं, 1 कप मैंने मिल्क लिया है और मैंने ये बेकिंग सोडा लिया है, बेकिंग पाउडर और 2 खीरे लिए हैं। तो बैटर बनाने से पहले हम अपनी कढ़ाई को प्रीहीट करने के लिए रख देंगे। तो मैंने यहाँ पर 1 कटोरी रखी है और इसे हम ढक करके 8 से 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर प्रीहीट कर लेंगे। तो मैंने गैस चलाकर मीडियम फ्लेम पे कर रख दिया है और हम कढ़ाई को प्रीहीट करेंगे और तब तक हम अपना बैटर बना लेते हैं। तो ये जो पहले केला है, पहले हम केले को छील करके उसे मैश कर लेंगे। मैंने यहाँ पे 2 बड़े केले लिए हैं और केले थोड़े गले हुए हों तो बहुत ही अच्छा है, उससे हमारा केक बहुत अच्छा बनेगा। तो केले को पहले हम मैश कर लेंगे, इसे मैं अच्छे से मैश कर लेना है बिल्कुल। तो देखिए मैंने केले को मैश कर लिया है बिल्कुल इस तरह से। और हम क्या करेंगे, अब क्या करेंगे कि पहले हम सारे अपने वेट इंग्रेडिएंट्स मिक्स कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर ये ऑयल डाल दूंगी इसमें, शुगर भी मैं अभी इसमें डाल दूंगी और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए मैंने केले को, ऑयल को और शुगर को मिक्स कर लिया। अब हम यहाँ पर अपना ड्राई इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। तो मैं यहाँ पे जो ये आटा है उसे छान लूंगी, इसे हम 2 बार में छानेंगे। और ये आधा आटा जो है वो भी मैं अभी डाल करके अब इसमें छान लूंगी। तो ये मैं 1 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर डालूंगी इसमें। और ये मैं यहाँ पे 1/2 टेबल स्पून बेकिंग सोडा डाल दूंगी, इसे छान लेंगे। छानने से एरिएशन होता है और केक जो है वो हमारा फ्लफी बनेगा। इसे मिक्स कर लेंगे हम। केक का बैटर हमें कट एंड फोल्ड मेथड से मिक्स करना है। तो हम यहाँ पे इस स्टेज पे दूध ऐड करेंगे। तो मैंने 1 कप दूध लिया, पर मैं यहाँ पे भी 1/2 कप दूध डालूंगी और हम इसे मिक्स कर लेंगे। तो देखिए मैंने इसे मिक्स कर लिया और हमें इस कंसिस्टेंसी का बैटर चाहिए। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ 1/2 कप दूध का यूज किया और 1/2 कप दूध जो है वो हमारा बच गया है। तो हम क्या करेंगे कि इसे हम बेकिंग टिन पे डालेंगे। टिन को मैं आग से तेज कर लूंगी ताकि जब हम अपना केक निकालें तो इसमें चिपके नहीं और केक हमारा आराम से अच्छे से निकल जाए। इसे हम अच्छे से तेज कर लेंगे आग से और हम इसमें अपना बैटर डालेंगे। तो देखिए मैंने बैटर इसमें डाल दिया है और अब हम इसे कढ़ाई में रख देंगे। तो कढ़ाई का ढक्कन हटाएंगे और इसे बहुत संभाल के रखिएगा क्योंकि अभी टिन जो कढ़ाई जो हमारी वो बहुत गर्म है। इसे ढक देंगे और अब हम इसे मीडियम फ्लेम पर 35 से 40 मिनट के लिए बेक करेंगे। तो आइए अब हम ढक्कन हटा के देखते हैं कि हमारा केक हो गया कि नहीं। तो हम इसमें एक चाकू डालेंगे, ये देखिए चाकू बिल्कुल क्लीन निकला, इसका मतलब कि हमारा केक बेक हो गया है। तो देखिए मैंने केक टिन निकाल लिया है, अब हम अभी अपने केक को थोड़ा ठंडा कर लेंगे, उसके बाद हम टिन से केक को बाहर निकालेंगे। तो केक अब हमारा ठंडा हो गया तो हम इसे टिन से निकाल लेंगे। पहले मैं साइड से इस तरह से चाकू से इसको कर लूंगी ताकि अगर
के कारण में हमें ज्यादा मुश्किल ना हो। तो हम इसे निकालते हैं। देखिए कि कितने अच्छे से हो गया हमारा। देख सकते हैं कि केक हमारा कितना फ्लफी बना है और इसे मैंने कढ़ाई में बनाया है, तो ये बहुत ही कम इंग्रेडिएंट में बन जाता है और बनाना भी इसे बहुत आसान है। तो मैं आपको एक कट करके दिखाती हूँ। देखिए हमारा केक कितना सॉफ्ट एंड फ्लफी बना है, ये बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। तो एक बार इस रेसिपी को आप जरूर ट्राई कीजिए और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।